नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए समझते हैं खबरों में बने हुए भारत की सबसे लंबी सुरंग के बारे में। भारत की सबसे लंबी और सबसे ऊंची मोटर योग जोजिला सुरंग परियोजना के अंतर्गत दो छोटी सुरंगों नीलग्रार एक और नीलग्रार दो को 9 अप्रैल 2023 को तैयार कर लिया गया है। लगभग 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग परियोजना में से 6 किलोमीटर सुरंग की खुदाई का काम भी पूरा हो चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाई जा रही है जोजिला सुरंग। परियोजना में स्मार्ट टनल सिस्टम शामिल किया गया है। इस स्मार्ट टनल सिस्टम को दुनिया की लेटेस्ट सुरंग टेक्नोलॉजी न्यू ऑस्ट्रियन का उपयोग करके बनाया गया है। यह सुरंग सीसीटीवी रेडियो नियंत्रण, निर्बाध बिजली आपूर्ति और वेंटिलेशन आदि से लैस होगी। जोजिला सुरंग को वर्ष 2026 में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी हर मौसम सुरंग घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब टू लेन सड़क सुरंग है। हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरने वाली सुरंग का निर्माण हैदराबाद स्थित कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो लद्दाख हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची मोटर योग जोजिला सुरंग के तैयार होने से भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा और लद्दाख क्षेत्र में भारत पाकिस्तान नियंत्रण सीमा रेखा पर तैनात सशस्त्र बलों को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में जोजिला दर्रा सर्दियों के दौरान भारी बर्फ गिरने और हिमस्खलन के कारण 6 से 8 महीने तक बंद रहता है। जोजिला दर्रे को लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये सुरंग श्रीनगर और कारगिल के बीच साल भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी। जोजिला सुरंग बनने के बाद एशिया की सबसे लंबी द्विदिश सुरंग होगी। आपको बता दें कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा रिकॉर्ड 68 दिनों के अंदर जोजिला दर्रे यानी जोजिला पास को खोले जाने के कारण भी ये चर्चा बनी हुई है।